So, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट जो था वो खत्म कर दिया गया है और पूर्णतः ही फिलहाल खत्म है। उस टिकट से पहले हम एसी में नहीं जा सकते थे, चाहे वो काउंटर टिकट हो या फिर ई टिकट यानी IRCTC के माध्यम से टिकट बुकिंग करना होता था, उसमें भी हम नहीं जा सकते थे। अब जो है इसे स्लीपर में भी लागू कर दिया गया है और अब स्लीपर में भी स्लीपर खाली जा रही हैं, ऐसा बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा। तो इसी को जो है हमने इस पड़ाव को आगे बढ़ाया और कंफर्म करने की कोशिश करी कि क्या क्या रूल्स अभी लागू हो चुके हैं, कितनी सच्चाई है इसमें। ये बात तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा क्योंकि बहुत सारी खबरें जो है सामने निकल के आ रही हैं, बहुत सारे बड़े पायदान पे बड़े लेवल पे जो है पेनल्टी का जो है कार्यक्रम चल रहा है, पेनल्टी लगाया जा रहा है लोगों पे। लेकिन सबसे पहली बात जो है मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सोच है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आपको साइड में दिख रहा होगा, कि रेलवे आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, और जिसपे कमेंट्स में कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करा था कि भाई तुझे नॉलेज नहीं है रेलवे की सोच क्या है। देखिए रेलवे की सोच कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल जो 140 करोड़ की आवाम है अपने भारत की, उनपे क्या व्यवस्था, उनपे क्या असर डाल रही है वो भी चीज देखना होगा। देखिए इसका मेरिट और डिमेरिट आप समझ सकते हैं। ए पैसेंजर है जिनका टिकट बुकिंग है कंफर्म है, और बी पैसेंजर है जिसको इमरजेंसी में कहीं जाना है, समझो ऐसा इमरजेंसी जिसमें उसको जाना पड़ेगा, और वो हुआ है कब, 11 बजे के बाद। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, डेट है आज का 13 तारीख, समझो मुझे कल जाना हो और अर्जेंट है, या समझ लीजिए किसी का जो है किसी की अनहोनी हो रखी है और वहां पे मुझे जाना है। अब बताइए मेरे पास क्या ही रास्ता बचता है। ये नियम लागू कर दिया गया है, आप बताइए जनरल का जो हाल अभी बस से बदतर था आज से पहले, उसका हाल अब क्या होगा, वो तो खत्म है एक तरीके से, क्या एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये है इसका अच्छा और बुरा, क्योंकि सीटें खाली जगह खाली रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं। अच्छा ये परेशानी स्टार्ट कब से हुआ वो मैं बता रहा हूँ। आप सभी को पता है जनरल कोच को कम किया गया था हाल फिलहाल में, स्लीपर कोचेस कम हुए थे, और इसी के उसमें मैंने वीडियोस भी बनाया था और उसमें मैंने बोला ही था कि रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है, और ये चीजें हुई थी वहां पे। दूसरा, जब जनरल स्लीपर कम कर दिए गए तो बचा क्या, एसी। दोस्तों वेटिंग वाले क्या कर रहे थे, आप एसी में सफर करना स्टार्ट कर रहे थे वेटिंग, आप उनको कोई हटा भी नहीं सकता क्योंकि भाई साहब जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो सीधा सीधा रास्ता क्या है भाई, वेटिंग ही खत्म करो। रेलवे का जो अगला प्लान है दोस्तों 2026 तक 10,000 स्लीपर कोचेस लाने का है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ही आएगा ये तो हकीकत है ना, ये चीजें एकाएक तो नहीं मिट सकती। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि जो कोचेस कम हुए हैं एज इट इज, जब तक नई चीजें लागू नहीं हो जाती, नई चीजें लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो जाती, पुरानी चीजों पे जो है आप काम करते रहते, एकाएक ऐसा कोई गतिविधि ना करते। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है, जो जनरल कोचेस कम किए गए हैं, या तो आप ऐसी ट्रेन या समथिंग जो भी चीजें हैं चलनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये चीज के लिए मैंने अभी रेल मदद से बात करी, एक छोटा सा क्लिप जो है आप सुन लीजिए पहले। हेलो, आपका स्वागत है, मैं मधु, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैं, मुझे ये जानना है कि जैसे मुझे गोरखपुर जाना है और चूंकि वेटिंग शायद अभी शायद नहीं एक्सेसिबल है अभी ट्रेन में, शायद जी जी वेटिंग वाला ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, तो क्या ये वेटिंग IRCTC जो तो पहले से ही नहीं था लेकिन जो टिकट हम काउंटर से लेंगे वो भी मान्य नहीं है? जी वो भी मान्य नहीं है। ओके, और मान लीजिए जिसके पास पहले से और वो कंफर्म ना हुआ हो तो क्या वो जनरल में जा पाएगा उससे? जी नहीं, आपको ट्रेन चलने से आधे घंटे पहले काउंटर पे जाके कैंसिल करवाना होगा। और मैम जिसका काउंटर तो 8 बजे खुलता है ना और ट्रेन आएगा 4 बजे सुबह, उसका क्या होगा? तो सर ऑनलाइन के माध्यम से कैंसिल कर देते हैं, उसके अगले दिन 8 से 10 के बीच में रिफंड लेना होता है काउंटर पे जाकर, बोर्डिंग स्टेशन पे। तो काउंटर वाले ऑनलाइन कर लेंगे, 8 से 10 के बीच में ही जाना होगा रिफंड लेने के लिए। ओके, और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए वो जनरल में जाते हैं हम तो नहीं, वो उस पे ही पेनल्टी है क्या? जी जी जी, जनरल टिकट लेकर ही जनरल में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ओके ओके मैम, तो अभी ठीक है, मदद में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। सुनने के बाद जो है आप समझ गए होंगे कि उनका मानना है कि आप उस वेटिंग टिकट से जो है जनरल में भी सफर नहीं कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए आधे घंटे पहले, जैसा आपने सुना होगा कि आधे घंटे पहले आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं, और कहाँ पे, काउंटर पे जाके। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन करा कि अगर ट्रेन ही 4 बजे भोर में हो सुबह में तो काउंटर तो 8 बजे खुलता है, फिर का क्या,
तो उन्होंने बोला ऑनलाइन कर सकते हैं। खैर ठीक है, ऑनलाइन भी है। तो दोस्तों चिंता ना करें, अब चीज़ें तो जो होनी है वो तो हो गई है, हमारे हाथ में तो है नहीं ना, हमारे पास कोई ऐसा राइट्स है कि हम इस चीज़ों को हम लोग बदल सकें। तो कैसे, टिकट अगर आपने काउंटर से लिया है, देखिए ई टिकटिंग का तो ठीक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो अगर आपने काउंटर से लिया है तो कैसे उसे कैंसिल करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं। दूसरी बात, आप लोगों से यही निवेदन है कि कभी भी अगर आप काउंटर से टिकट रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपको ही जर्नी करनी है, तब तो सब कुछ आप अपना ही भरेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह जितना भी ये चीज़ें है ना वो अपना ही भरेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भाई साहब को अपने भेज दिया, कोई थर्ड पार्टी को भेज दिया कि भाई जाओ मेरा टिकट काउंटर से करा लो, उस दौरान पे एक गलती होती है और लगभग लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। उस दौरान पे अगर मैं पापा का टिकट करने गया अपने, तो क्या करूँगा कि जब मोबाइल नंबर मांगता है ना उसमें मैं अपना नंबर फिट कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसी गलती आप लोग ना कीजिएगा। जिनको जाना है, सफ़र जिनकी भी है, उनका ही नंबर उस पर होना चाहिए कि अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ और आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं तो टिकट आप कैंसिल कर लें। दूसरी बात कि आपका जो ऑनलाइन जो मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जो कि IRCTC का है, वहाँ से आप ऑनलाइन टिकट कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपकी टिकट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में है, टिकट को कैंसिल करने के बाद उस पर नंबर डालना होगा, OTP आएगा और ये सारी जो प्रक्रिया है चलेंगी, उसके बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगा टिकट कैंसिल। ऑनलाइन टिकट कैंसिल का जो आपको रिसिप्ट देगा IRCTC, उसको प्रिंट आउट कराइए, साथ में अटैच कीजिए, काउंटर पे पहुंच जाइए। यहाँ पे हम जो है IRCTC का चार्ट, माफ़ कीजिए IRCTC का, मैं स्टॉक मार्केट भूल गया, IRCTC के वेबसाइट पे जाना है आपको, सीधा लॉगिन करना है और आप अपने लॉगिन से है ना ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर किया होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन करना होगा। और इधर आपके ना ट्रेन का ऑप्शन मिल रहा होगा, देख रहे हैं आप, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आएगा कैंसिल टिकट। देखिए ई टिकट और काउंटर टिकट दो टिकट का है, काउंटर टिकट पे आप क्लिक कर लेंगे, सबसे पहले ये लॉगिन ही मांगेगा मुझसे, मुझे पता है, देखिए वो मांग दिया ना। यहाँ पे हमको क्या करना होगा दोस्तों, PNR नंबर, ट्रेन नंबर, कैप्चा और आई हैव रीड, ये सारा करके सबमिट करेंगे। आपको फिर मोबाइल नंबर इंटर करने को बोला जाएगा, वो वही मोबाइल नंबर होगा जो आपने टिकट बुकिंग करते समय काउंटर से आपने मोबाइल नंबर दिया होगा। वो मोबाइल नंबर फीड करने के बाद सारा कुछ जो है OTP आएगा, OTP जो है आपको उसमें फीड करना होगा इस पे, और आफ्टर डैट जो है वो सबमिट करना होगा, सीधे आपको जो है कन्फर्म का आ जाएगा, एक रिसिट मिल जाएगा कि आपका टिकट कैंसिल हो चुका है। और ध्यान रखिएगा ट्रेन के आने से आधे घंटे पहले सारा कार्यक्रम कर लीजिएगा, जैसे चार्ट प्रिपेयर हो गया, आपका वेटिंग लिस्ट ही है, उस दौरान ही आप कर लीजिएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, देन अप्लाई कर दीजिएगा और फिर जो है काउंटर से जाके पेमेंट ले आइएगा, वो टिकट और वो लेके जाइएगा और उसके बदले जो है आप लेके आइएगा अपना पैसा, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये सारी चीज़ें, तो कृपया करके आप वेटिंग टिकट या फिर पेनल्टी कटवा के स्लीपर में यात्रा नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो टिकट जो आप वेटिंग टिकट लेके जनरल में भी जाएंगे वो भी मान्य नहीं है जनरल में, उसके लिए जनरल टिकट चाहिए, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, गलती से भी आप ऐसा सिचुएशन नहीं पा लीजिएगा, नहीं तो खाम खा पेनल्टी देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पेनल्टी भी वो काम नहीं आने वाली, वो पेनल्टी भी रेलवे के खाते में ही जाएगी और उस पेनल्टी का फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है कि पेनल्टी देके हम चले गए स्लीपर में, ऐसा होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियोज़ में जिसमें हम आपको अवेयर कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।